हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू योर एजुकेशन। आई एम जितेंद्र त्यागी। सो अभी मैं हूँ जयराम कुमार के साथ, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी के थ्रू लेक्चरर की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। सो जयराम कुमार, सबसे पहले तो योर एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सो जयराम, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कब से आपने एजुकेशन लेना स्टार्ट किया और क्या क्या आपकी जर्नी रही इस अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त करने तक? सर, मैं हरनौत नालंदा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है हरनौत से ली, उसके बाद मैंने बीटेक जो है सर जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा से किया। उसके बाद जो है सर मेरी प्लेसमेंट इंफोसिस में हुई थी, लेकिन मेरा हमेशा से गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंक्लिनेशन था, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी और फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट किया सर। उसके बाद मेरी जो है जॉब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि पहले बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में लगी थी, तो मुझे ट्रांसमिशन मिला था। उसके बाद वहाँ पे 2-2.5 महीना काम करने के बाद सर मेरा जो है सिलेक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हो गया, बैंगलोर में, क्योंकि मैं हमेशा से एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करना चाहता था एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो मैंने फिर उसको ज्वाइन किया सर। वहाँ पे काफ़ी दिन रहने के बाद जो है अभी करेंटली मैं जो है एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ सर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अभी मेरा सिलेक्शन सर बीपीएससी में पॉलिटेक्निक लेक्चरर में हुआ है सर। तो जयराम, इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बच्चों का ड्रीम होता है कि एक जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, तो वही उनका एक ड्रीम होता है, और आपने 3-3 जॉब क्रैक की हैं। यस सर, ये दिखाता है कि आप काफी डेडिकेटेड और सिंसियर हार्डवर्किंग पर्सन रहे हैं। यस सर, तो आपने अभी फिर क्या डिसाइड किया है? मतलब बेल तो अच्छी जॉब है आपकी बेल में। यस सर, अभी सर क्या था सर कि बीएल में मैं जिस डिपार्टमेंट था, माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट था, वहां पे हर एक साल वो जो है वो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसीवर बनाती है फॉर द डिफेंस फोर्सेस सर। तो वहां पे हर एक साल जो है ट्रेनिंग आते थे इंटर्नशिप के लिए, एक साल के लिए, तो मैं उन लोगों को मैं जो है उन लोगों का इंटरव्यू भी गाइड करता था, और उन लोगों को जो है जो भी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज होती थी उसके बारे में बताता था, और कुछ जो है क्योंकि मेरा जो है काम आरएफ माइक्रोवेव में था, तो आरएफ माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये सब मैं पढ़ाता था सर। तो उसके कारण क्या हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा सर, और बच्चों से काफ़ी अच्छे फीडबैक आते थे, बोलते थे कि काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, और मैं उन लोगों को थोड़ा सा मेंटरशिप और थोड़ा गाइड भी करता था, क्योंकि उन लोग जॉब की तलाश में रहते थे, तो बोलते सर गाइड करिए कि आगे हमें फ्यूचर में क्या करना है, तो ये सब चीज़ें मैं करता था वहाँ पे, तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी फील्ड में एक लॉन्ग करियर बनाया जाए, तो मैं फिर जो है सर्च करने लगा कि टीचिंग जॉब में कैसे जाया जाए। लेकिन सर मेरा एमटेक नहीं था, फिर बाद में पता चला कि एमटेक पीएचडी होना चाहिए, मेरा था नहीं, तो मैंने नेट पे सर्च करते करते मुझे पता चला कि एक जो वैकेंसी होती है पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उसमें सिर्फ जो है बीटेक से भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब मेरे स्टेट में आया तो मैं काफ़ी इसके लिए डेडिकेटेड रहा और इसकी तैयारी अच्छे से की, और फाइनली सर विद गॉड ग्रेस मुझे ये सिलेक्शन हो गया सर। हाँ, तो जयराम हम ये बोल सकते हैं कि आपने जब जो चाहा उसके लिए आपने हार्डवर्क किया और वो प्राप्त किया, कह सकते हैं आप सर। हमेशा अपने ड्रीम्स पे खेलते हैं सर। ये ड्रीम्स तो था ही, मेरा पैशन भी बन गया था सर। मुझे हमेशा से मुझे लगा कि मुझे अगर मैं रिटायर करूं तो एज ए टीचर ही रिटायर करूं, तो ये मेरे लिए, ये जॉब मेरे लिए काफी मायने रखता है सर, और आज मैं बहुत खुश हूं कि ये मुझे मिल गया है सर। वेरी गुड। तो जयराम, जब आपने इस एग्जाम के लिए तैयारी की, थोड़ा इस एग्जाम के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो की रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए? सर ये एग्जाम जो है, जब ये नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने मेंशन किया कि इस एग्जाम में जो है गेट का सिलेबस रहेगा, लेकिन बाद में पता चला कि गेट के सिलेबस में जो है आपका टेक्निकल 65 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के, और मैथ रहते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट था सर। यहाँ पे जो है 40% वेटेज जो है मैथमेटिक्स का था और 60% इलेक्ट्रॉनिक्स का सर। उसके बाद मार्क्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन थे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं सिलेबस तो सेम था लेकिन पैटर्न अलग थे सर। तो मैंने जो है, क्योंकि सर 2 घंटे में करीब करीब 80 क्वेश्चन थे सर,
तो मुझे ये मालूम था कि गेट में 3 आवर्स में 65 क्वेश्चन रहते हैं, तो लेवल थोड़ा कम रहने वाले हैं। तो मैंने क्या किया कि गेट का क्वेश्चन भी लगाया और इंजीनियरिंग सर्विस का जो क्वेश्चन होते हैं दोनों को मैंने मिक्स करके लगाया सर। दोनों को मैंने करीब करीब 20-20 साल का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने लगाए थे सर इसके लिए। और मैथमेटिक्स के लिए सर जो एक्सक्लूसिवली जो बुक आते हैं जिसमें सारे ब्रांचेस कराते हैं कंप्यूटर साइंस से लेकर सिविल तक मैकेनिकल तक, तो वो गेट का जो बुक आते हैं सर उसको मैंने थोरली लगाया था सर। तो ये मैंने स्ट्रेटजी अपनाया था। ग्रेट। तो उसके बाद फिर आपने जब रिटन क्लियर हो आपका तो अगली स्टेज इंटरव्यू की थी, उसके लिए फिर कैसे आपको मतलब क्या आपने प्लान किया, कैसे किया? सर इंटरव्यू इसमें काफी क्रूशियल थे सर, और मैं एक बीटेक था तो वहां पे पैटर्न ये था कि एमटेक वाले को 5 मार्क्स मिलेंगे, पीएचडी वाले को मिलेंगे, तो मेरे पास सिर्फ बीटेक था तो मेरे पास ऑप्शन था कि रिटेन में अच्छा करें और इंटरव्यू में अच्छा करें। रिटेन तो एक बार ऑलरेडी दे चुका, जितना आना था आना था, अब मेरे पास था कि कैसे भी करके ऑप्टिमम मार्क्स इंटरव्यू का लिया जाए। तो उसके लिए मैं जो है काफी कुछ नेट पे सर्च किया, तो यूरोपीडिया से भी मैंने हेल्प लिया सर, कुछ स्नैप जो है यूरोपीडिया का लगाए, और यूरोपीडिया ने पहले से ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और भी ब्रांचेस के थे तो उसका जो है वीडियो अपलोड किया था, तो उसको मैं देखता था। और कुछ यूरोपीडिया पे जो है 1-1 घंटे का वीडियो है सर जिसमें सारे ब्रांच के कवर है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग का है, तो 1-1 घंटे में कितने कितने जो 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब मैंने वीडियो देखे सर, तो वो काफी हेल्प हो रहा है यूरोपीडिया से सर। ग्रेट। तो ये पूरी जो आपकी जर्नी रही इसमें वैसे तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है और आपका हार्डवर्क रहता है, तो आप अपने पर्सनल रिलेटिव्स फ्रेंड जो भी हैं आपके उनमें किसको क्रेडिट देना चाहेंगे ज्यादा इसका? सर मैं मैरिड हूँ सर और मेरा एक बच्चा भी है, मैंने अपने वाइफ का बहुत सारा समय चुराया है सर, तो मैं बहुत ज्यादा थैंक्स अपनी वाइफ को देता हूँ क्योंकि उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है, उसका काफी समय मैंने चुराया है, तो मैं ये सफलता जो है अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ सर। ग्रेट ग्रेट। तो आपकी वाइफ भी वर्किंग है या नॉन वर्किंग है अभी? सर पहले वर्किंग थी लेकिन बच्चा होने के बाद जो है अभी नॉन वर्किंग है सर। चलो ना, ऐसा मुझे देखने में मिला है वैसे कि कई ऐसे लोग सेलेक्ट हुए हैं जो मैरिड हैं और उनकी वाइफ ने उनको बैकअप पूरा सपोर्ट किया है, मतलब एक मेंटल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे लोगों को मतलब सफलता बहुत मिली है। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि लेडीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यस सर ये काफी सर इसे मैं डिनाई नहीं करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कोई बात जो अपने बारे में आप बताना चाहेंगे हमें और बाकी लोगों को जो आपको सुनेंगे आगे फ्यूचर में? सर मैं जो अभी जो इंटरव्यू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होने वाले हैं लेक्चरर का, तो वो कैंडिडेट से ये बोलना चाहता हूँ कि ये इसको इंटरव्यू को थोड़ा सीरियसली लें क्योंकि आपका जो है सिलेक्शन इस पर काफी डिपेंड करता है। कुछ लोग बीटेक वाले हैं तो उनको और थोड़ा सा सीरियस होकर देना चाहिए, अब इतना सीरियस नहीं होना चाहिए कि उसमें आप प्रेशर ले लें तो आप अच्छे से परफॉर्म ना करें। लेकिन मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ सर कि जैसा कि मेरा जो इंटरव्यू गया था तो उसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, तो आप जो है कुछ लोग बोलते हैं कि 3 सब्जेक्ट करके जाओ, तो मैं बोलता हूं कि अगर आप 3 नहीं करें तो 2 ही सब्जेक्ट करके जाएं और अच्छे से करें, बाकी सब्जेक्ट को क्या करें कि एज ए शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर मान ले जाए कि डिस्कशन के दौरान कोई ऐसा पॉइंट उठ जाता है जो दूसरे सब्जेक्ट का हो तो ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक हो जाना है, तो वो उसका भी जानकारी रखनी है, लेकिन 2 सब्जेक्ट को काफी फोकस करना है। कुछ लड़के जो है एमटेक किए होंगे बीटेक किए हैं तो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी पढ़ के जाएं, कभी कभी वो पूछ देते हैं कि आप जो है प्रोजेक्ट में क्या किए हैं, तो उससे रिलेटेड जो है आप पढ़ के जाएं। उसके बाद जो है सर एक चीज और है, क्योंकि ये टीचिंग जॉब है तो कभी कभी बोर्ड पे ले जाके कुछ डिफिनेशन पूछ देते हैं जैसे कि व्हाट इज एम्पलीफायर, तो सडन से दिमाग में नहीं आता, जो टीचिंग में ऑलरेडी वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, जो जॉब में है या जो तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं आती है, तो उनके लिए मैं सजेशन ये दूंगा कि आप इंटरनेट पे जाके जो है सिंपल सा एम्पलीफायर डेफिनेशन आप सर्च करें, उसमें बहुत सारे पेजेस खुलेंगे, विकिपीडिया पे नहीं जाना है, उसमें सर एक और ऑप्शन आता है पीपल आल्सो आस्क करके आता है, उसमें छोटे छोटे डेफिनेशन दिए हुए रहते हैं, वो डेफिनेशन आप जो है कर लें, 50-60 डेफिनेशन करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से फ्रेम करना और किस तरह बोलना चाहे, अगर कोई नया भी डेफिनेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है आप उसको आप सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आप बोल सकते हो, तो इतना करने से डेफिनेटली सर अच्छा इंटरव्यू जाएगा सर बच्चों का। वेरी गुड नाइस। तो आप काफी एनर्जेटिक हैं और काफी मोटिवेटिंग टाइप के पर्सन हैं, तो आगे जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे
यस सर। आप खुद स्टूडेंट भी रहे हैं, तो क्या दिमाग में कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है कि यार मैं उन बच्चों के लिए इन चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा? और सर मैं मैंने अपने लाइफ में एक चीज देखी है सर, कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं गरीब था इसलिए नहीं पढ़ पाया। मैंने गरीबी एक फैक्टर है सर, लेकिन ज्यादातर लोगों से मैंने मिला है तो अपने लाइफ में एक चीज के कारण जो है डायरेक्शन ना मिलने के कारण ज्यादा लोग असफल हुए हैं, तो मैं उस पर काम करूंगा सर। और मेरी जर्नी जो है, मैंने इन्फोसिस भी में थोड़ा काम मतलब उस पर भी किया, फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी में गया। मेरी जर्नी में बहुत सारे जो है पॉइंट्स रहे हैं सर। इवन मैं एमटेक भी कर रहा था, उसको भी क्योंकि मेरी जॉब लगी थी उसको भी छोड़ा, तो मैंने सारे जर्नी कवर कर लिया सर और इंडस्ट्री में काफी समय बिताया है। तो वो मैं एक्सपीरियंस को जो है स्टूडेंट को फ्यूचर शेप करने के लिए मैं उसको गाइड करूंगा सर। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है, स्ट्रेंथ होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करूंगा, उसको जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा इसके लिए क्या सुटेबल रहेगा फ्यूचर में इसके लिए करियर के लिए। तो ये मेरा प्रायोरिटी रहेगा सर। ग्रेट ग्रेट, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी पे हम लोग भी काम करते हैं कि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो अपना सही डिसीजन लें और आगे मतलब सही रास्ते पे आगे बढ़े और जीवन में सफलता पाए। तो जयराम, काफी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सारे शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर।